सुप्रीम कोर्ट के बाहर तराजू के साथ एक बड़ा सा घंटा भी लगा दो, आते जाते उसको बजाओ, शायद अंदर बैठे भगवान को होश आ जाए। रिटायरमेंट के बाद फरिश्ता बनने से बेहतर है कि दौरान सर्विस फिरौनियत छोड़ दी जाए। बीवी को अहल्या लिखा जाता है, लेकिन मियां को कभी अहल नहीं लिखा जाता, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि मियां नाअहल है। रियासत मां होती है, लेकिन अमीर की सगी और गरीब की सौतेली। आईन फकत आजाद और खुद मुख्तार कौमों के लिए होते हैं, गुलामों के लिए बंदूक, फौज और मजहब होते हैं। हम जिनकी वजह से महफूज हैं, वो तो रिटायर होकर महफूज मुल्कों में मुंतकिल हो जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध का सबसे बड़ा हिस्सा मलिक रियाज ने फतह किया है। यहां दुश्मन से ज्यादा मुहाफिज से खतरा है, बीमारी से ज्यादा तबीब से खतरा है, और मुजरिम से ज्यादा मुनसिफ से खतरा है। आजजी ये है कि गेट पर खड़े हुए चौकीदार को भी उसी तरह सलाम किया जाए जैसे दफ्तर के अंदर पहुंचकर बोस को करते हैं। अब जिन लोगों को मुल्क की तरक्की नजर नहीं आ रही वो भंग पिए, जिन लोगों को पहले से नजर आ रही है उन्होंने पी हुई है। मुझे नून लीग की हुकूमत जाती नजर नहीं आती, क्योंकि मुसलमान में नून, पाकिस्तान में नून, नेब तो शुरू ही नून से होता है, बेईमान में नून, बिजली के बहरान में नून, तालीम के फुकदान में नून। कभी कराची पाकिस्तान का कैपिटल था, और अब पाकिस्तान का आधा कैपिटल दुबई और लंदन में है, सारा खजाना मुल्क से बाहर है और वजीर खजाना तकरीबन अंदर। जियो न्यूज देखने से अच्छा है बंदा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख ले, वहां भी कुत्ते बिल्ले नजर आते हैं, लेकिन जरा नस्ली। अवाम इज्तमाई दुआएं मांगी कि आटा और गैस आसमान से उतर आए, क्योंकि इस मसले पे सोचना या हल की तलाश पे बात करना अब जुर्म है। जो कल महंगाई के खिलाफ थे और आज खामोश हैं, और जो कल खामोश थे आज चीख रहे हैं, ये सारे ही रॉन्ग नंबर हैं।